सेकंड सम में क्या है, फाइंड द एलसीएम ऑफ डिवीजन मेथड। डिवीजन मेथड से एलसीएम को फाइंड करना है। 48 एंड 64 का डिवीजन मेथड से हम एलसीएम फाइंड करते हैं। सबसे पहले 2 पे करेंगे क्या 24, 2 पे करेंगे क्या आ जाएगा 32, 2 पे करेंगे 12 और 2 पे करेंगे क्या आ जाएगा 16, 2 पे करेंगे 6 और क्या आ जाएगा 8, 2 पे करेंगे 3 और क्या आ जाएगा 4, फिर 2 पे करेंगे तो 2, 2 पे करेंगे तो 1, अब 3 पे करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। अब हम देखते हैं यानी एलसीएम 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा कितना होता है 64, 64 को 3 से करेंगे क्या आ जाएगा 4 3 जा 12, 6 3 जा 18 और 90, 190। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा हमारे पास में, यानी एलसीएम आ जाएगा 192। सेकंड सम में क्या है, 16 24 एंड 32, एलसीएम फाइंड करना। 16 24 32, 2 पे 8, 2 पे 12, 2 पे 16, 2 पे 4, 2 पे 6 8, 2 पे 2, 3 और क्या आया 4, फिर 2 पे करेंगे 1, 3 और क्या आया 2, फिर हम 2 पे करेंगे तो 1, अब 3 पे करेंगे तो 1। अब इसका एलसीएम फाइंड करेंगे, एलसीएम में क्या 2 की पावर कितने टाइम है, 1 2 3 4 5, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 3 जा कितना आ जाएगा 96, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 96। 12 24 एंड 36, इसका एलसीएम फाइंड करना है, इसका एलसीएम फाइंड करना है 12 24 36, 2 पे 6, 2 पे 12, 2 पे 8, 2 पे 3 6 9, फिर 2 पे कर लेते हैं, 2 पे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 3 और 9, 3 पे कर लेंगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 पे कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 1 1 1। अब हमें इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, 2 2 जा 4 4 2 जा 8 2 2 जा 4 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 17, तो इसका एलसीएम क्या आया 72। यस थैंक यू।